हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जिसका कि 6 फेज तक एग्जाम हो चुका था, 6 फेज तक एग्जाम हो चुका था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 7th फेज के एग्जाम पर स्टे लग गया था। ठीक है, 7th फेज वाले एग्जाम पर स्टे लग गया था। लेकिन आज जो ट्विटर पर स्टूडेंट्स के द्वारा, हम लोगों के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण, या फिर यू बोल सके कि रेलवे ने इससे पहले कुछ दिन पहले बताया था कि जैसे ही जो कुछ स्टेट्स हैं वो अपना लॉकडाउन में ढील करते हैं तो आपको नोटिस दिया जाएगा, फर्दर नोटिफिकेशन दिया जाएगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आज जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि आप लोगों के लिए हमारा एक 7th फेज का एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज का नोटिस डाला गया है। चलते हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी कोलकाता में ये नोटिस आया था कि जो 7th फेज, आज यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे कि 1/7/2021 यानी कि आज के डेट में 1/7/2021 को आया है ये नोटिस। ठीक है, और किससे रिलेटेड नोटिस है ये, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे 7th एंड लास्ट फेज ऑफ द एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1। एनटीपीसी CBT 1 का 7/6/6 फेज हो चुका है, 6 फेज तक एग्जाम हो चुका है, जिसका कि 7th फेज हमने बताया कि वो किस कारण से डिले हो गया था। तो अभी इसका नोटिस आया है 1/7/2021 को। आप लोगों को ये नोटिस अगर मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देखें इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, इसकी रणनीति पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, इट इज प्रपोज टू कंडक्ट द 7th फेज दैट इज लास्ट फेज फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन द 23, आपकी एग्जाम कब होने वाली है, कब से शुरू हो रही है, 23, 24, 26, 31, जिसमें कि 2.78 लाख यानी कि 2,78,000 कैंडिडेट लगभग इसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। कब से कब तक, 23, 24, 26 और 31 को, 31 जुलाई को। तो अभी जो है हमारे पास, आज हो गया 1 तारीख, ठीक है, आज है 1 तारीख और 1 जुलाई से लेकर आपके पास 22 जुलाई तक का फिर से टाइम है। और जो लोग का एग्जाम 7th फेज का नहीं हुआ है वो अपना कमर कस ले और फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दे, क्योंकि रिवीजन आप करें और आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप 22 दिनों में पूरे रिवीजन कर सकते हैं। और आपके लिए हमारे चैनल पर रिवीजन कोर्स लाया जाएगा, 22 दिनों में पूरे टॉपिक्स को, जीके जीएस करेंट अफेयर्स मैथमेटिक्स रीजनिंग का एक कोर्स लाया जाएगा जिसमें रीजनिंग रिवीजन कराया जाएगा। आप वहां पर जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं और वो किस तरह का बैच होगा, उसका क्या रणनीति होने वाली है, इसका वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा। और किस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल के कल स्टार्ट कर देंगे। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, फॉर द कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड इन द फेज द लिंक फॉर व्यूइंग फॉर द एग्जाम सिटी, यानी कि जो कैंडिडेट इसका शेड्यूल किया गया है इस फेज में, जिन कैंडिडेट्स को शेड्यूल किया है, ठीक है, तो उसका एग्जाम सिटी डेट वगैरह जो है वो हम लोग सबको ही जानते हैं, 10 दिन पहले वो एग्जाम सिटी का ये इंटीमेशन आ जाता है, 4 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगता है, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। हेल्प डेस्क जारी किया जाता है, वहां से आप कुछ अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोविड-19 का जो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो बच्चों को, कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना है, ठीक है। ई कॉल लेटर आपको मिलेगा, मोबाइल फोन, वो सब कुछ हम लोग जानते हैं। आपके लिए जानने वाली बातें थी कि 7th फेज जो कि स्टे लग गया था, जिस पर कोविड-19 महामारी के कारण इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ गया है 1/7/2021 यानी कि आज के डेट में। अगर आप लोग शांत थे, पढ़ाई छोड़ दिया था, ठीक है, तो आप अभी से कमर कस लें और अभी 22 दिन आपके पास टाइम है, 22 दिन पूरे 22 दिन टाइम है, इसमें आपको रिवीजन करना है, रिवीजन कोर्स लाया जाएगा। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद रेलवे वालों ने कहा था कि जो जैसे ही स्टेट्स जो होंगे कोविड-19 से रिलेटेड, कोई अगर अपने स्टेट्स में ढील मिलेगी, उसके लॉकडाउन के प्रोसेस में कुछ ढील मिलेगी, तो आपको नोटिस देखने को मिलेगा। और यहां पर देखने को मिला, लेकिन इस नोटिस को देखने के लिए हमें ट्विटर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा। चलिए, कोई बात नहीं, आज नोटिस आ गया है, देर आया लेकिन आया, ठीक है। दूसरा बात ये करते हैं कि इसके बाद जो 31 जुलाई का एग्जाम होगा, 31 जुलाई तक एग्जाम होगा 7th फेज का, उसके बाद आरआरसी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आरआरसी ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के लिए। अच्छा, जितने भी यहां पर रेलवे के द्वारा
स्ट्रिक्टली कहा गया है कि किसी भी अदर नोटिस पर विश्वास आपको नहीं करना है, ऑफिशियल नोटिस पर ही आपको विश्वास करना है। तो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा, आपको ऑफिशियल नोटिस, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है या फिर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको अगर किसी भी टाइप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिस आता है, तो आपको बता दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्या रणनीति होने वाली है, किस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको अभी से कमर कस लेना है ग्रुप डी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का सीबीटी वन हो चुका है। तो अब किस तरह से करना है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के जितने भी पोर्शन होंगे हमारे चैनल पर कराया जा रहा है। आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, सारे कंटेंट को देख सकते हैं और जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे आप वहां से कमेंट बॉक्स में, वहां पर पीडीएफ उसका पिन कर दिया जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर ले। चलिए हम लोग जो भी रणनीति का होगा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको मिलेगा। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, आपको अभी से पढ़ने में लग जाना है, क्योंकि जैसे ही एग्जाम होगा, ये 31 जुलाई तक का एग्जाम होगा, उसके बाद आपको 10 से 15 दिनों के भीतर आपको ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का हो जाएगा। तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है और जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में अगर आपको आपको अपना रैंक लाना है, आपको मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि 120 नंबर का एग्जाम जो होता है, मार्क्स का एग्जाम होता है, उसके लिए क्या करना है, उसकी क्या रणनीति होने वाली है, ये सारा का सारा एक वीडियो में, रणनीति वाला वीडियो, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए। और हमारे चैनल पर 100 डेज टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की क्लास वहां पर मिल रहे हैं। और अभी अगर नहीं मिल रहे हैं, जो भी है, जो अभी जैसे कि कुछ क्लास डाला गया है और कुछ क्लास में अभी ये आपको लेट से मिल रहा है, तो आपको जैसे ही कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन या फिर ये एग्जाम जो कि अब रिवीजन करवाना है, इसके बाद आपको सारे क्लासेस अपडेट हो जाएंगे, कल से अपडेट हो जाएंगे, आपको सारे क्लास मिलने लगेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपके लिए हमारा चैनल सदैव तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।